और बड़ा आसान तो बड़ा ही आनंद आता है। जब अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती ना, विकार नहीं होता, तब आप देखते हैं कि मन बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा आनंद आता है, बड़े मन को भी शांति रहती है। और जब शरीर में जरा सी भी कहीं कोई विकार होता है, जरा सी गैस हो जाए, पेट फूलने लगे, तो ही कितना परेशान हो जाता है, कुछ मन नहीं लगता किसी भी काम, कब्ज हो जाए, खट्टी डकार आने लगे, सिर दर्द हो जाए, कितना परेशान हो जाता है आदमी, आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए साधक को एक एक क्षण का आनंद लेना है, और जब एक एक क्षण का आनंद लेना है उसने, तो निश्चित रूप से उसने अपने आप को स्वयं पूर्ण रूप से पवित्र रखना है, स्वस्थ रखना है। और ये आह्वान मुद्रा जो होती है, इस आह्वान मुद्रा में हम क्या करते हैं, ये आप देख ले कि ये जो आपका चारों उंगलियां मिल जाती है, हाथ की दोनों हाथों की जो अंगूठा है ये बीच हथेली में स्थापित हो जाता है, दोनों हाथों के दोनों अंगूठे बीच हथेली में आ जाते हैं, चारों उंगलियां मुड़ जाती है, मिल जाती है आपस में, और फिर दोनों हाथों को परस्पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथों को परस्पर जोड़ करके हृदय पर स्थापित कर लेते हैं, हृदय स्थल पर, और फिर हम आँख बंद करके बैठते हैं, पूर्ण रूप से जो हमारा इष्ट तत्व गुरु सामने है उसको हम आह्वान करते हैं कि हे गुरुदेव अथवा हे इष्टदेव, मैं पूर्ण श्रद्धा भाव से आपका आह्वान कर रहा हूँ, आह्वान मुद्रा प्रदर्शित करके, और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे हृदय में आए, स्थापित हो, मैं आपको बुला रहा हूँ पूर्ण श्रद्धा प्रेम से। ये आपका ये जो भाव आपने बोला, ये जो भावना आपने व्यक्त की, ये प्रणिपात कहलाता है, ये जो हाथों से आपने बनाई ये मुद्रा कहलाती है। तो मुद्रा और प्रणिपात दोनों साथ साथ आपने करने हैं। जैसे ही आप मुद्रा बनाएंगे वैसे ही आंख बंद करके उसका प्रणिपात यानी भावना वो साथ में मन में बोलेंगे, और इस प्रकार से जब मन में वो भावना बोलेंगे तब यह आह्वान मुद्रा पूर्ण कहलाएगी, आह्वान मुद्रा और आह्वान मुद्रा का प्रणिपात स्पष्ट। दूसरी मुद्रा मुद्रा हमारे शास्त्रों में हेलो टाटा ऐसा कहीं अभिवादन के लिए नमन के लिए नहीं आया, या गर्दन हिला दे ऐसा कहीं कुछ नहीं आया। हमारे यहाँ एक विशिष्ट परंपरा है, और यह विशिष्ट परंपरा भारतीय संस्कृति की प्राण है, और यह है कि हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो साधक अथवा भक्त अपने इस अथवा गुरु को इन 10 इंद्रियों को एकाग्र करके, क्योंकि 10 इंद्रियों को एकाग्र करने का नाम ही मन को एकाग्र करना है, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए 10 इंद्रियों को नियंत्रित करना ही पड़ता है। तो इसलिए 10 उंगलियों को अपना मिला करके जब साधक अथवा भक्त अपने इष्ट अथवा गुरु के सामने हृदय पर इस प्रकार से इस मुद्रा को बना करके गर्दन थोड़ी सी झुका करके जब नमन करता है तो यह कहलाती है अभिवादन मुद्रा अथवा प्रणाम मुद्रा, नमन मुद्रा। तो यह हमारी, क्योंकि पहले आपने आह्वान किया, आह्वान आती, आप अपने अतिथि को घर में बुलाए, आमंत्रित करें, निमंत्रण दें, और आप उसको प्रणाम न करें तो वो वापस लौट जाएगा और सोचे मेरा क्या सम्मान सत्कार किया। तो सबसे पहला बड़ा सम्मान सत्कार क्या है कि आप उसको नमन करें, जब आमंत्रित किया, आह्वान किया, बुलाया है तो नमन करना आपका प्रथम कर्तव्य है। आपने नमन किया, हृदय से नमन किया, और प्रणिपात भाव क्या है 10 इंद्रियों को इस प्रकार से इस मुद्रा में आपने हाथ जोड़ने पर कि हे इष्टदेव अथवा गुरुदेव, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके, मेरे आह्वान को स्वीकार करके आप उपस्थित हुए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत मैं श्रद्धा और प्रेम से आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप आए और मेरे हृदय में स्थापित हो, आसन देना। तो हृदय साधक के पास हृदय है, वही उसका आसन है, वो कपड़ा या वस्त्र उसका आसन नहीं कहलाता, हृदय उसका आसन है। तो प्रणाम करने के बाद वो हृदय में उनको स्थान देता, आसन देता है, इसको हृदय में स्थापित करना कहते हैं। तब फिर वह पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है, विसर्जित कर देता है। तो समय दंडवत लंबे लेट करके उनको पूर्ण रूप से साक्षात रूप से अपने आप को समर्पण करने की क्रिया करता है। यह क्रिया जो है लंबे लेट करके दोनों हाथ फैला करके डंडे के समान अपने आप को उठा करके उनके चरणों में विसर्जित कर देना, यह आपका समर्पण क्रिया मुद्रा हुई। आप इसका भावना क्या है
हे गुरुदेव अथवा हे इष्टदेव, मेरा अपना कोई अस्तित्व आपके सामने नहीं है, मेरा कहीं कोई अहम नहीं है, मेरा कहीं कोई व्यक्तित्व नहीं है, मैं आपके सामने इस जड़वत डंडे की तरह से, दंड की तरह से लिटा लेटा हुआ हूँ। आप मुझे स्वीकार करें, मेरे समर्पण को आप स्वीकार करें, मुझे हृदय से लगाए, यह इसका समर्पण प्रणिपात भाव हुआ। तो इस प्रकार से सुखासन में बैठते हैं तो सुखासन में बैठ जाए, और ये जो आपकी तत्व मुद्रा और ज्ञान मुद्रा है कि अपने अंगूठे को, ये चौथी उंगली जो आपकी छोटी उंगली के बराबर की अनामिका उंगली है, इसकी जड़ में अंगूठे को लगा लें और इस प्रकार से चारों उंगलियों को मिला लें। तब फिर इसको टीला और पिंगला के बीच जो सुषुम्ना है आपकी, उसको घुटनों पर स्थापित कर दें। इस भाव में आप बैठ करके पहले ध्यान करें अपने इष्ट का और गुरु का। तो ये बैठने की जो मुद्रा है आपकी, ये ज्ञान मुद्रा, ये तत्व मुद्रा मैंने बताई। इसी प्रकार से जब आप अपने अंगूठे को और इससे लगा लेते हैं, छोटी बड़ी जो बड़ी उंगली है, पहली उंगली, इसके ऊपर के पोटवे पर जब लगाएंगे अंगूठे के पोटवे को, और इस प्रकार से बाकी की उंगली मिला लेंगे, और जब इस प्रकार से घुटने पर हाथ रखेंगे, तो ये ज्ञान मुद्रा है, उससे पहली जो थी वो तत्व मुद्रा है। ये तो आपकी मुद्रा हुई। अब इसका प्रणिपात क्या है? तत्व मुद्रा का प्रणिपात है कि हे इष्टदेव, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में पूर्ण ध्यानस्थ होकर के बैठा हूँ। मैं आपसे तत्व मुद्रा के प्रदर्शन के माध्यम से मैं यह नम्र निवेदन चाहता कर रहा हूँ कि मुझे जीवन का तत्व क्या है, जीवन का सारभूत लक्ष्य क्या है, उसकी मुझे प्राप्ति हो। उस तत्व को जानने के लिए मैं तत्व मुद्रा में आपके चरणों में बैठा हुआ हूँ, आसीन हूँ। तो ये तत्व मुद्रा का प्रणिपात भाव हुआ। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा की स्थिति जब आपने प्रदर्शित की, तो आपने पुनः नम्र निवेदन किया कि हे इष्टदेव, हे गुरुदेव, मैं इस ज्ञान मुद्रा के प्रदर्शन के माध्यम से प्रणिपात आपके चरणों में होता हुआ यह निवेदन कर रहा हूँ कि जीवन का जो अंततो गत्वा अंतिम लक्ष्य और ज्ञान है, जीवन का जो हेतु है, उसका मुझे ज्ञान करा दे। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, इस मुद्रा में बैठा हुआ हूँ ज्ञान प्राप्ति की, और मैं ज्ञान प्राप्ति मुझे पोथियों का, पुस्तकों का, ग्रंथों का नहीं चाहिए, मुझे जीवन का तत्वात्मक ज्ञान चाहिए जो आप मुझे दे सकते हैं। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति के लिए इस मुद्रा में मैं आपके चरणों में बैठा हुआ हूँ, ये ज्ञान मुद्रा का प्रणिपात भाव हुआ। तो इस प्रकार से जब आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो निश्चित रूप से ये आपका पांच मुद्राओं का यह होगा। अब आप किसी भी मंदिर में कहीं भी जब पूजा करते हैं तो शंख ध्वनि का आप उच्चारण करते हैं। शंख अपने आप में प्रतीक है पवित्रता का। शंख का जो उद्गम स्थल है वह है समुद्र सागर, और वहां पर लक्ष्मी का निवास है। इसलिए चिंतन करते हैं अपने इष्ट के सामने, तो आप भी वहां पर ये जब पूर्ण ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं तो शंख मुद्रा प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये बायां हाथ आपका इस प्रकार से अंगूठा ऊपर की ओर, चारों उंगलियां मिली हुई इस प्रकार से रहेगा। दाहिना हाथ जो आपका है, इससे आप अपनी चारों उंगलियों से इस अंगूठे को पकड़ लेंगे और फिर ये अंगूठा खड़ा कर देंगे दाहिने हाथ का। बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर को मोड़ करके और दाहिने हाथ को अंगूठे को जरा सा मोड़ करके पहली उंगली पर लगा देंगे और हाथ को हथेली को थोड़ा सा मोड़ देंगे। तो ये जो आपकी हथेली को मोड़ना, ये जो सामने की स्थिति है, ये शंख का खुला हुआ भाग है, और ये जो पीछे की स्थिति है, ये शंख का बंद भाग है, पिछला पृष्ठ भाग। तो ये शंख मुद्रा बन गई, और इस शंख मुद्रा के प्रदर्शन के माध्यम से आपने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए निवेदन किया, प्रणिपात किया कि हे देवी, हे महालक्ष्मी, मैं आपकी आराधना पूजन के लिए, अनुष्ठान के लिए बैठा हूँ। इस शंख मुद्रा के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आपका हृदय में स्थापन हो, और मेरे जीवन में आप हर प्रकार की मधुरता और हर प्रकार की पूर्णता दे। तो ये इसलिए इसको हम इस मुद्रा को बनाते हैं और ये भावना देते हैं पूर्णता के लिए। यदि आपकी मनोकामना दर्शन की है, साक्षात्कार की है, तो उनके
के दर्शन के लिए कोई विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए मैं इस मुद्रा का प्रदर्शन कर रहा हूँ। नाभी है, नाभी से मैक्सिमम मतलब दर्श कराने की कोशिश करी, बिल्कुल नाभी के पास लगी इस तरह से, और ये जैसे कमल की पंखुड़ी खिली रहती है पंजा इस तरह से होना चाहिए। और अब दूसरे पैर को लीजिए और यहीं एड़ी के पास उसको लाइए। नाभि बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, दोनों घुटने जमीन पर होने चाहिए। और आप ये तत्व मुद्रा हुई अनानिका की यहाँ लगाएंगे, और अगर ये तर्जनी को मोड़ कर उठे से लगा लेते हैं ये ज्ञान मुद्रा हुई, और ये लगाकर आप सीधे बैठ जाइए। अब इसका महत्व क्या है कि मंत्र जप के टाइम शरीर में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग हैं मतलब कुछ ऐसे ऐसे करके मतलब मालाएं चल रही हो कर रहे हैं ऐसे करके मतलब मालाएं चल रही, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निद्रा, आलस, जम्हाई, और आप पद्मासन बैठ करके देखिए कि शरीर तो आपका इधर उधर होगा नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने तत्व मुद्रा ज्ञान मुद्रा में जैसे ही मतलब इसको यहाँ रखा तो आपके रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक 90 डिग्री एंगल बनाएगी ही, आपको कुछ करना ही नहीं है। और आप सुखासन बैठेंगे तो इमीडिएट उसमें बैंड आएगा, तो ये पद्मासन है और बहुत ही अच्छा आसन है। ठीक है, शुरू में थोड़ा तकलीफ होती है और बाद में आप जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक बैठे रह सकते हैं। और किसी भी साधना में ऐसे मतलब कुछ ही साधना है जिसमें ये आसन नहीं चलता उसको गुरुदेव जी बताएं, लेकिन मैक्सिमम आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, मंत्र जप और ध्यान का आसन है सिद्ध आसन, उसकी आप विधि देख लीजिए। तो ये बाएं पैर की एड़ी है, ये गुदा और मुतेंद्री के बीच में जाएगी, बीच में एक मोटी नाड़ी सी है उसको दबा देगी एड़ी। सिद्धासन खास करके ब्रह्मचर्य के लिए या ऐसे मतलब काम विकार बहुत ज़्यादा होते हैं उनको दबाने के लिए ये आसन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, और ख़ास करके योगी और सन्यासी लोग इसी आसन में ही बैठते हैं। तो पहले बाएं पैर की एड़ी गुदा और मुतेंद्री के बीच में, अब दूसरी एड़ी को यूँ लगाइए। ये आप देख रहे हैं ये मुतेंद्री के ऊपर रहेगी और ये पंजा यहाँ बिल्कुल पैदल रहेगा, दोनों घुटने जमीन पर टच करेंगे। आप ज्ञान मुद्रा तत्व मुद्रा किसी में बैठ सकते हैं। ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, हो सकता है पद्मासन में ध्यान न भी लगे लेकिन इस आसन में तो जरूर ही लग जाता है, थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है। पंजे एकदम सीधे होने चाहिए। ये तो हुआ सिद्धासन। इसके बाद इसमें आप कोई भी पैर को मोड़ लीजिए और इसको यहाँ नितंब के पास ले आइए। इस पैर को मोड़ कर नितंब के पास पंजा यूँ पीछे की ओर फैला रहे हैं, और दूसरे पैर को मोड़िए और इस पंजे को इस नितंब के पास ले आए और ये बैठ जाइए। इसके बाद आप कोई भी मुद्रा में आप हाथ को रखिए, तत्व मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और ये हाथों की पोजिशन रहे। इसको गोमुखासन कहते हैं, इसमें भी आप मंत्र जप कर सकते हैं आराम से करके। आप गोमुखी रहिए, मंत्र जाप कर रहे हैं कैसे करिए। इसकी विशेषता अगर आप दोनों घुटने सीट में हैं और दोनों हाथ हैं तो गारंटी है कि आपकी जो करोड़ जो स्ट्रेट ही रहेगी, और ये जरा से इधर हुआ तो तुरंत ही मतलब इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और हाथों की पोजिशन भी आप चेंज करके देखिए, उसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। ये गोमुखासन हुआ, और ये जो है ये पोजिशन है। पूज्य गुरुदेव जी को आप लोग देखते होंगे कि बस इसी आसन में ही मतलब वो दर्शन करते हैं, और मंत्र जप के लिए आसन उचित नहीं है। तो ये तो मंत्र जप और ध्यान के लिए कुछ आसन है। इसके अलावा शरीर को जरा फ्लेक्सिबल रखने के लिए, उसकी जो भी जड़ता है उसको दूर करने के लिए कुछ आसन है। आसन वैसे 25 सैकड़ों है लेकिन हमको उतना नहीं कहना है, थोड़े आसनों का अभ्यास कर लेना। वज्रासन तो सभी को मालूम है, ये वज्रासन है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। बाकी आसनों में साफ लिखा जाता है कि
हैं जिसको सूत्र वज्राश्रम कहते हैं, खास करके जिनका पेट बड़ा हो, सिटी के प्रबल रही ना जिस उसके लिए है, आप सूत्र वज्राश्रम की स्थिति देख लीजिए। पहले हाथों से सपोर्ट लेना है ऐसे, और पीछे की तरफ लेट जाना है। ध्यान ये रखना है कि दोनों घुटने जमीन पर रहेंगे और न तो आपस से हटेंगे। और आपने ये दोनों हाथ जांघों पर रहेंगे। आप लोग करके देखिए इसको, करिए बार करिए तो सही, इसको वज्रासन बैठ जाइए आप लोग, आपका बिल्कुल आर्क जैसी बनेगी, धनुष जिसको कहते हैं। और दोनों हाथ जांघों के मतलब जोड़ पे रहेंगे, दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे और जमीन पर रहेंगे। इसके बाद आप दोनों हाथों को बांध कर सिर के नीचे भी रख सकते हैं। आप हमको देखिए, एसिडिटी नहीं होती, पेट की बड़ी बड़ी चर्बी खत्म हो जाती है। हाँ, चर्बी चर्बी सर्दी के लिए सही रहती है। ये आसन कुंडली जाने में कारी साहब होते थे, तो बहुत छोटा सिंह था। अब पूछ गुरुदेव जी इतनी अगर डिटेल में जाएंगे तो उनको टाइम भी नहीं मिलेगा। और साधना और सिद्धियों के लिए कुंडली जाना बहुत जरूरी है। तो आप पशुओं देखिए, पूरे दोनों पैरों की लंबा करिए, आपस मिले हुए हो और जमीन पे हो, पैर दोनों जमीन से चिपके हुए होने चाहिए। अब कोशिश करके दोनों पैर के अंगूठे को आप दोनों हाथों से पकड़िए, बाएं हाथ से बाएं अंगूठा, दाएं हाथ से दाएं अंगूठा। आप लोग करिए इसको, आप इस तरह से बैठने से कोई फायदा नहीं है। अब वही घर जाए गालियां देंगे, कुछ नहीं हुआ, क्या है दूसरे क्या रुपए भरे, कुछ सिखा नहीं। ये चीजें ऐसी आज बुरी लगती है, और कल आपको महसूस होगा कि हमारे कमर इतनी अकड़ी अकड़ी, ध्यास क्या हो गया, लेकिन बच्चों ऐसी फ्लेक्सिबल हो गई है, इसको करोगे कब होगा ना। तो ये देखिए, दोनों हाथ आप पकड़िए, पैर जमीन पर रहेंगे। अब दोनों हाथों के घुटनों को जमीन पर रखने की कोशिश करिए। ये जमीन पर आ गया, इसके बाद नाक को घुटनों पर रख दीजिए, बड़े प्रेम से ऐसे। आज दूसरी ओर से पूरे पशुओं का अलग करें, दोनों हाथ से आप दोनों रूपये को पकड़ेंगे, दोनों पैर मिले हुए जमीन से चिपके रहेंगे, दोनों हाथ के बदले जमीन पर। ये पशुओं का नाश है, इससे आपकी पूरी जो मेरुदंड है पूरा खींचेगा, पेट और जांघों के सारे विकार खत्म होंगे। और आप जब मंत्र जब करते करते बिल्कुल थक जाए, उस टाइम पे आप पश्चिमोत्तानासन करके देखिए, आपके पैर की पूरी जड़ता खत्म हो जाएगी। कष्ट जरूर होता है, लेकिन आप इसको करना चाहिए। आप इस तरह से लेट जाए, दोनों हाथों का ऐसे रखिए, और फिर पैरों को मोड़ लीजिए और शरीर को जितना हो सके ऊपर उठा लीजिए। ये इसकी बहुत छोटी सी स्थिति है, और जितना हाथों और पैरों के दूसरे से नजदीक हो सके कर रहे हैं उसको। आप लोग करिए इनको, आप किसी को देख के हंसेंगे, पूरी जिंदगी निकल गई, असल में हम लोग हंसना ही नहीं सीख पाए, ये तो बनावट है। हम ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर बड़ी तकलीफ होती है, यार हंसने लगे वादा नहीं क्या होगा। तो आप लोग इसको करिए एक बार, दोनों पैरों को करीब 2.5 फुट दूरी पर रख दीजिए, दोनों हाथों यहाँ लगाइए। आप धीरे धीरे कोशिश करिए कि हाथ नीचे तक जाए। मतलब
ये इसकी ट्रेनिंग की स्टेज है। एड़ी को छूने की कोशिश करिए, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो आपका शरीर सवाल लचीला हो जाएगा, फिर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ छत्रासन, बहुत ही अच्छा आसन है, बुढ़ापे को ढकेलने के लिए वरदान है। तो ये वज्रासन में आप बैठ जाइए, ये पूर्ण स्थिति है, आप दीवार का सहारा ले कैसे भी कर सकते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठिए, दोनों हाथों का आपस में यूं बांध लें, ऐसे सामने सिर पर नहीं लगाना है, और ये आप स्थापित कर दीजिए। इसके बाद ध्यान रखने की चीजें आप देखिए, आप सिर का ये भाग लगना चाहिए जिसको सहस्त्रार कहते हैं, इसके बाद ये जो है मिडल ऑब्लॉन्ग गटा है जहाँ से नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, इसको आप मत लगाइए इस पार्ट को, और धीरे धीरे पैरों को उठाइए। ये हो गया, इसके बाद आप उसको स्ट्रेच कर दीजिए, और अच्छी स्थिति आने पर आप कुछ भी कर सकते हैं, पैरों को चौड़ा करना, आगे पीछे करना, गिराना डुलाना, और बहुत सारे कर सकते हैं आप, और कोई तकलीफ नहीं होगी आप। Jana Pranama Jadilta Dada गुरु ना चरणों पूजन एक
આપણું સતત જીએ આ ત્રણ વાતને પલ્લામાં મૂકીને આ ત્રણ થઈ જાય તો મોક્ષ મૂલન પૂર્વક કૃપા સહજ સ્વાભાવિક છે. ગુરુ મહિમાની ગુરુ પરંપરાની હું માનું છું કે આટલી ઉચ્ચતમ વાત એ ક્યાંય નહીં મળે. કોઈને અપાય નહી આજો, કોઈને ના અપાય ના હતો પણ કોઈ પણ કોઈમાં આપણે નથી આવતા. હું એમ ગણું છું કોઈમાં આપણે નથી આવતા, અમે એને નથી આવતા. કેમ કે તમે અને મારા ઉપર ગુરુ સામે ગુરુદેવ સામે બેસીને કૃપા કરે છે, દીક્ષા આપે છે, આશીર્વાદ આપે છે. એથી વધારે મોટી ભૂમિકા, એથી વધારે મોટી પાત્રતા નહીં કઈ હોઈ શકે. પોતાના ગુરુદેવ સામે બેસીને શિષ્યોને આ રીતે સંબોધન કરે, આ રીતે નવા જે આશીર્વાદ આપે, જીવન શીખવાની પદ્ધતિ શીખવાડે, એથી વધારે વિશે પાત્રતા નહીં કઈ હોઈ શકે. હું તો એમ કે આ ઘટા જે અતિ ઊંચું કોઈ ભાગ્ય છે મંદિર માં જવાથી શું મળે એવું કોઈ થતું કામ કે ભાઈ મંદિર માં જાય, મંદિર માં જવાથી શું મળે મહાનંદ માત્ર જરૂરી છે આ કરીશું તો બીજો આવશે, બીજો વિચાર આપણે આવશે અને તે સંસ્કૃતિ સમાજનું કાર્ય ગુરુજી મૂળ ભેદ ગુરુજી પહેલા આવું કરો, આ જરૂરી છે, એના વિના તમારો પગ મજબૂત નહીં બનશે. અને પગ મજબૂત બન્યા પછી તમે સમાજ માટે, સમાજના ઉત્થાન માટે, કોઈ પણ કાર્ય માટે તમારી આત્મ શક્તિ જાગૃત થશે, બળ પેદા થશે. યુવાજી અને રાણા પ્રતાપ જે દુનિયા છે કૃષ્ણની સામે એ નાની વાત નથી, એ કોઈ આત્મ બળથી સમગ્ર રામદાસ સ્વામી શિવાજીને ઉત્તિષ્ઠ કર્યા અને એને સમગ્ર એક નાના સૈન્યના જૂથ લઈને એકમ રાજાઓ જોડે લડ્યા છે. વલસાડ ના શિબિર નું આયોજન